सूट है, दुपट्टा बहुत प्यारा है आजकल ऐसे किरोसिया वाले। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, देख लो कैसा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आज मतलब ऐसे वाली कपड़े की, थोड़ी भारी सी, वैसे तो पहने जो कॉटन की उनमें आती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मोनी सागर ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। तो गाइस सामान देख लो कितना फैला हुआ है, और अब मैं वापस जा रही हूँ, दो तीन दिन के लिए ही आई थी मैं, क्योंकि फिर अब दोबारा हमें कहीं जाना है, फिर आना जाना, तो इसलिए इतने दिन बहुत है। तो इसलिए अब मैं सूट पहनूंगी दूसरा, वो तो तुम्हें दिखाई दूंगी, रेडी होंगी अब। और सामान मैंने, तुमने पिछला ब्लॉग देख लिया होगा सरोजी नगर वाला सारा, उसमें दिखाई दिया, बताना कैसा लगा तुम्हें सामान, कमेंट करके बताया होगा। एक टेडी बियर रह गया था गाइस उस ब्लॉग में, इसमें देख लो, ये रहा टिया का यूनिकॉर्न। तो अब मैं रेडी हो जाती हूँ, अपना सामान वामान देख लूँ, सब इधर उधर पड़ा रहता है ना, फिर मिलता नहीं है कुछ भी, आधी चीज़ मेरी यहीं रह जाती, भूल जाती हूँ, तो उनको कर लेती हूँ सही, डाल लेते अपने बैग वैग में, फिर भाई छोड़ के आएगा। देखना गाइस सामान कैसे पड़ा है, अभी करती हूँ इन्हें सेट। सूट दिखा देती हूँ तुम्हें, सूट कौन सा पहन के जाऊँगी मैं आज, तुम्हें कुछ अलग लुक का सूट दिखेगा, मतलब येलो कलर का है ये सूट है, ये इसका दुपट्टा है, देख लो ये, मतलब मैंने सिलवाया तो बहुत टाइम पहले था, पहन अब रही हूँ। और सलवार है गाइस इसके नीचे नाड़े वाली है ना, मुझे सलवार वैसे ही कभी नहीं पहनी है, फर्स्ट टाइम आज, मतलब ऐसे वाली कपड़े की, थोड़ी भारी सी, वैसे तो पहने जो कॉटन की उनमें आती है, ये वाली फर्स्ट टाइम। सूट दिखा रही हूँ अपना जो पहनूंगी, इसकी ये चुन्नी, चुन्नी पे इस पर बहुत भारी लैस थी, हमने हटवा के ये लगवा ली, उससे बहुत भारी दुपट्टा हो रहा था ये। अब पहन के से तैयार होती हूँ, पहले फेस वॉश कर फर्स्ट टाइम सलवार पहनेंगी। हाँ मैं वही तो दिखा रही हूँ, मैंने कहा फर्स्ट टाइम देखो माता का अड़ता गल दे गे जे मम्मी ना पे काम बता रही है तो पूरे घर में अभी सो रहा है, सामान ने सामान काबू में ना आ रहा सामान भाई, एक देखन सूट देख ले मौसी का, ये रहा सलवार का, मैं किसा देख रही, सलवार का सूट देख ले, ये रखा पड़ी सी, की बस मेरे तो सोनी के ही खिंड रहे। तो गाइस अब हम चाय पी रहे तैयार होने से पहले, चाय पी के फिर जाऊँ, फिर तैयार होंगे फिर जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा मतलब सर में दर्द हो रहा था, हम अभी कहीं से आए थे मार्केट से, इसलिए नट क्रैकर्स विद चाय। कैसा लग रहा तुम्हें, मैं जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि अब बस शुरुआत हो गई जाने की, फिर चली जाएगी दूसरी, यहाँ रहती हुई एक ना आई थी, एक दो तीन चार, एक ना कोड़ा ना आई थी शाम ने, फिर चार बजे पांच बजे एक का दिन तो गया, हाँ दूर तीन आज चल पड़ी। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, ये पहना मैंने आज सलवार वाला सूट फर्स्ट टाइम, मतलब इस टाइप का सूट मैंने कभी पहना नहीं है, आज ही पहना है, तो बताना कैसा लग रहा है इसकी चुन्नी, चुन्नी कहाँ है इसकी, देख ये चुन्नी, देख लो कैसा लग रहा है। तो गाइस मैं जा रही हूँ, पापा जा रहे हैं बाहर, ये सामान पड़ा मेरा सारा, बाय बाय, हम मिलेंगे जल्दी, बिंदी हटगी मेरी वो वाली पापा कितने ध्यान से देखे कैमरे, वो दे दे वाह बिंदी दोबारा हटगी वाह, मम्मी उस अलमारी में मेरे पैसे ले लिए गाइस मैंने, ये रख दे मेरे, ये पर्स में रख दे, पड़े तेरा पर्स पूरा तुम्हारी, सब हम जा रहे हैं नीचे, उठा ले सामान ईशु, हाँ आ रही हूँ मैं, चल चल मम्मी आ जाती है, कितने लते पर आ दूँ।
किस में रख दी तेरी बिंदी इसने वापस? चलो आप ड्रायर लेके क्यों खड़े? अरे बहुत खत्म मंच। अच्छा इसका ये मिल गया था आगे का? ये मिला मेरे सूटकेस में। हाँ। मैं घर जाती है ना सूटकेस खाली करा ना, जब सूटकेस में मिला ही मगर देख सारी जगह देख लिया और मिला कड़ा है जाके यो इसका ड्रायर का मम्मी पड़े मिल गया मेरे सूटकेस में मिला लगता मैं बिच रहा था वो लत्ते नून ते नून करे ना लगता मैं रो रहा था। हाँ उस दिन घर जाती जब मिला लगा ली। हाँ चल रोला तो किए पहना था। चल इशू रख दे उठा लो सामान। ओके गाइस बाय। चलो नीचे मैंने कहते पहनी ना सलवार तो इतना अजीब सा ले। हाँ वैसे ही लटक ना रही आगे की नीचे के बेना दिख रहे हो है ना एकदम एक्यूरेट बन रही है। इसी ही होनी चाहिए इसमें तो पता। हाँ सलवार है इस तरीके की सलवार बनाई है। हाँ ये भाभी ने सीरीज ले बांध रखा है इनके दर्द हो जाता है जब मैं जाती हूँ। वो कुछ ना कुत्ते ने कुत्ता उतार लिया ना आया गया है पहले के कुत्ता मरा अंडा था ना टफी ने लेके गया। चल एक दो तो मैं पकड़ लूंगी। चल इशू हाँ एक आदमी है हमारा को हम ऐसे बैठते हैं आप जाके काफियां नहीं ले लो ना ये आपके सास ले लेगी ऐसे जी ले इन्हें तेरे पे भी सौ सौ के बना सर। हाँ ठीक है चल आ गया ना सारा सामान ना मुंह तो खोल दिए कदे आने तो ना मैं कैची तो काट दूँ फिर बोल लेगी चप्पल देखिए तेरे और का कुछ ना आ रहा दिखता है कुछ ना है मेरा कुछ रह जाएगा तो मैं पोर्टर करा किसी आई है तीयू बाय तीयू मौसी जा रही है सोनी या पेटी खा लेगी ठीक मौसी जा रही है भाई तीयू की मौसी तो दो दिन ना आया करे। चल दो दिन ना दो दिन आया 15-20 दिन ना आऊंगी ना जब तेरे भादी हो जाऊंगी बंद कर दे वो नीचे रहेगा ही मैं। हाँ चलो गाइस कुछ रह तो ना गया मेरा तो गाइस मैं जा रही हूँ उधर से आ रहे हैं सामान रख देते हैं। सामान ढोने वाले इंसान इतने सारे बाय सबको मिलेंगे 5-6 दिन बाद घाटी में देख किसी खबर आ गई पर तो भाभी भी जाओगी पर मैंने खाई भी ना देखी थी 7 किलोमीटर लकड़ है पेरिस के मार रो लिए वो कुत्ता। चलो तो गाइस अब घर जाके मिलवाती हूँ मम्मी से दूसरी मम्मी से के बाय 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 मासी पतली हुई मैं तो गाइस मम्मी से मिल लो आ गई मैं घर 2 दिन बाद। सागर अभी है नहीं यहाँ आने वाला होगा वो जब मिलवा दूंगी किट्टी से मिल लो ये है ये पेट देने को आया चाय पानी तो पी ले। अच्छा तो गाइस ये मेरा सामान जो लाई थी आधा तुमने मैंने दिखाई दिया है अब एक दो चीज़ दिखा देती हूँ एक चीज़ नहीं दिखाऊंगी इसमें से कन्नू भी आ गई है। तो गाइज ये मेरा पर्स है ये बहुत सुंदर है खींचियो कन्नू इसका पैकेट
ये देखो इतना प्यारा है ये मेरी बहन ने दिया है बर्थडे गिफ्ट। ये इसकी वैसी है पकड़ने की, एक बार निकालने से दिखाती हूँ सुमित। और ये मेरा एक सूट है, ये इंस्टाग्राम से ही आया है। इसको अभी मैं देखूँ पर्स कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताना। जी जिसको मंगवाना है वो बता देना, उनको बता दूँगी कहाँ से मंगवाया है, क्या कितने का है। इसमें कलर भी बहुत थे, वाइट था, ये था। और ये सूट है, ये इंस्टाग्राम से आया सिद्दीक कलेक्शन से। तो अब मैं इसको बनवाऊँगी जब देखना। ये वाले चल रहे हैं ना आजकल ऐसे किरोसिया वाले, इसका कुछ बनवाऊँगी कोट सेट या किसी वैसे में। ये इसका बॉटम है, पैंट बनवाऊँगी इसकी बेल बॉटम। और तुमने मेरा सामान देख लिया, ये मैंने दिखाई दिया था सरोजिनी नगर ब्लॉग में। और कुछ नहीं है गाइस, इतना ही है। एक ये कुर्ती नहीं देखी थी तुमने, ये देख ली। ये भी मेरी बहन ने दी है ब्लैक, उसने ली थी, कह रही मैं नहीं पहनूंगी। मैंने कहा ठीक है मैं पहन लूँगी। वैसे ही है नॉर्मल घर भर में पहनने की, बाहर की नहीं है। और एक चीज़ है वो मैं बाद में दिखाऊँगी, वो जब पहनूँगी उसे जब ही रिवील करूँगी। हाँ उसे ऐसे नहीं दिखा सकती। तो गाइस रील तो मैंने बना ली, अपना वो सूट भी खोल लिया जो आया हुआ था सिद्दीक कलेक्शन से। और ये सूट चेंज कर रही हूँ अब, थोड़ा अपना सामान सेट करूँगी। ऐसे बिखरा पड़ा है अभी देखो सारा, इसे पूरा जचा दूँ जहाँ जहाँ रखना है। ये दिखाई दिया मैंने पर्स को तुमको, जो मैं वैसे दिखाने वाली नहीं थी, जब लेती जब ही दिखाती, पर कोई नहीं दिखा दिया, बढ़िया था। इसलिए चल रहे ना आजकल ऐसे ट्रेंडिंग में, इसी वजह से। तो गाइस हमारे घर पे आई है हमारी बुआ जी, बड़ी बुआ जी। तो हमने चाय बनाई है, चाय पी रहे हैं। बुआ कैसा लग रहा है आपको आके? तो खुशी हो रहा है। हाँ बहुत दिन बाद आई है बुआ, थोड़ी दूर रहती है ना तो इसलिए आ नहीं पाती है। शादी में ही आई थी ना जब, उसके बाद अब आई है। चलो अच्छा लगा बुआ से मिलके, चलेंगे हम भी है ना मम्मी बुआ के घर। अभी गर्मी थी ना इस बारे में हाँ। हाँ बुआ ने भी कई बार बुला लिया मुझे कि मोनी को लेके आओ। हाँ नहीं आएंगे हम बुआ, अभी टाइम नहीं मिल रहा था ना थोड़ा, अब आएंगे। और क्या, प्यार से जो बुलाए उनके जाना चाहिए। मेरे तो नहीं चल रहे, पापा मम्मी सागर इनके चल रहे हैं। ठीक है बुआ जी चाय पी लो। तो गाइज अभी हम बना रहे हैं खाना बुआ के लिए, मतलब बनाया है सब्जी वगैरह, बस रोटी बनानी है। और कल मैं आई थी फिर मेरा ब्लॉग ही कंटिन्यू नहीं हुआ था, बस सामान दिखाया तुम्हें फिर थक इतनी गई थी मैं सो गई। फिर अब उठी, आज ये वाला सूट पहना है। तो गाइस बताया ना कैसे लगते हैं आपको ब्लॉग्स, वहाँ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ के? मतलब वहाँ तो ये बाहर बाहर के रहते हैं, यहाँ घर घर के रहते हैं, ये फ़र्क है। तो गाइस मेरा ये एक और पार्सल आया है, अभी देखती हूँ। ये आया है न्यू वस्त्र से, पता नहीं नाम नहीं पता मुझे, कोलैब का ये भी दिखाती हूँ इसमें क्या है। तो गाइस कैसे हो आप लोग? और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और सूट, ये भी मुझे रिसीव हुआ है न्यू वस्त्र से, न्यू वस्त्र से रिसीव हुआ है ये। और कॉटन का सूट है, दुपट्टा बहुत प्यारा है एकदम प्योर का, पैकिंग भी बहुत अच्छी थी इसमें आया था ये। और ये देखो सूट, कलर भी बहुत अच्छा है सूट का, और कॉटन का है ना, इसमें अस्तर वस्तर भी नहीं लगाना। और मतलब खूब ऐसा फैब्रिक भी इतना है, मतलब कि मोटे से मोटी लेडीज़ भी बनवा सकती है इसको। और ये है इसकी बॉटम, बहुत प्यारा सूट है, इसे मैं बनवाऊँगी, देखती हूँ किस टाइप का बनवाऊँ। पैंट का ही बनवाऊँगी वैसे तो, बट देखना तुम लोग, बहुत प्यारा सूट है। इंस्टा पे है, मैंने कोलैब भी करा है न्यू वस्त्र राज है शायद, हाँ वस्त्र कह रही हूँ ना मैं। बहुत प्यारा सूट है, मंगवाना भाई तुम भी, देखना उनकी आईडी, मैंने कोलैब कर रखा है तो अच्छा है सूट।
तो मैंने देखो ये रहा न्यू वस्त्रास, उन्होंने कार्ड भी भेजा था उसमें ही थैंक यू का, ये रहा बहुत प्यारा सूट है।